हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम पोएट्री की अनदर पॉपुलर फॉर्म बैलेट के बारे में जानेंगे, साथ साथ कुछ ऐसे पॉइंट्स जानेंगे जो पोएट्री की किसी भी फॉर्म को रिकॉग्नाइज करने में, आइडेंटिफाई करने में हेल्पफुल होते हैं। वो पॉइंट्स क्या है कि कोई पोएम सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव है, जिसमें पोएट अपने खुद के थॉट्स, अपने एक्सपीरियंस को एक्सप्रेस करता है, दैट इज़ कॉल्ड अ सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोएट्री। अगर ऐसा नहीं है, पोएट अपने बारे में नहीं किसी अन्य चीज़ के बारे में एक्सप्रेस करता है, तो दैट इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्टिव फॉर्म। अगर वो म्यूजिकल है तो लिरिकल पोएम होगी, जिसमें कोई कहानी चलती है तो वो नरेटिव पोएम होगी, और उसमें किस तरह का स्टेंजा यूज़ किया गया, स्टेंजा भी हमें हेल्प करता है पोएट्री की फॉर्म को आइडेंटिफाई करने में, साथ साथ किस तरह का मीटर यूज किया गया है। तो बैलेड की अगर बात करें कि ये एक शॉर्ट नरेटिव पोएम होती है, जिसमें नरेशन चलता है, किसी कहानी को ओरली ट्रांसमिटेड किया जाता है। इन शॉर्ट हम कहेंगे बैलेड इज ए शॉर्ट नरेटिव पोएम, लेकिन इतना जानना सफिशियंट नहीं है। एग्जाम में क्वेश्चन को कॉन्फिडेंटली सोल्व करने के लिए हमें M.H. अबराम बुक से टेक्स्ट को समझना होगा, और इस वीडियो में हम वही समझने वाले हैं। बैलेड, अ शॉर्ट डेफिनेशन ऑफ पॉपुलर बैलेड, एक शॉर्ट डेफिनेशन है पॉपुलर बैलेड की, जिसको फोक बैलेड या ट्रेडिशनल बैलेड भी बोला जाता है। यहाँ पर लिटरेरी बैलेड की बात नहीं हो रही है। ओरिजिनली जो फोक सॉन्ग्स होते थे, जिसको ट्रेडिशनल बैलेड या फोक बैलेड बोला जाता है, उसी की डेफिनेशन दी गई है, इज दैट इट इज अ सॉन्ग ट्रांसमिटेड ओरली विच टेल्स अ स्टोरी। यहाँ पर तीन पॉइंट की बात की गई है। ट्रेडिशनल बैलेड में ये एक सॉन्ग होता है जिसको ओरली गाया जाता है और जिसमें एक कहानी बताई जाती है। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं इट इज अ शॉर्ट नरेटिव पोएम विच ट्रांसमिटेड ओरली, जिसको ओरली गाया जाता है। बैलेड आर दस द नरेटिव स्पीसीज ऑफ फोक सॉन्ग्स, जो फोक सॉन्ग्स होते हैं उसी की एक नरेटिव वेराइटी बैलेड होती है, विच ओरिजिनेट एंड आर कम्युनिकेटेड ओरली, जिसका ओरिजन ही ओरली कम्युनिकेट करने के लिए किया गया है, और किसके बीच में, अमंग इलिटरेट और ओनली पार्टली लिटरेट पीपल, थोड़े बहुत पढ़े लिखे या अनपढ़ लोगों के बीच ओरली कम्युनिकेट करने के लिए ऐसे सॉन्ग्स का ओरिजन हुआ है, इसी को ट्रेडिशनल बैलेड बोलते हैं। साथ साथ हमें जानना होगा व्हाट इज़ अ बैलेड स्टेंजा। बैलेड में जिस स्टेंजा का यूज किया जाता है उसी को बैलेड स्टेंजा बोलता है, और इसमें कितनी लाइंस होती है, इसमें चार लाइंस होती है। बैलेड स्टेंजा इज अ क्वाट्रेन, क्वाट्रेन इज ए फोर लाइन स्टेंजा, इन अल्टरनेट फोर एंड थ्री स्ट्रेस लाइन्स, जिसमें चार लाइन्स होती है और जिसमें से तीन स्ट्रेस लाइन होती है। यूजली ओनली द सेकेंड एंड फोर्थ लाइन राइम्स, और यूजुअली क्या होता है, बैलेड स्टेंजा की सेकेंड और फोर्थ लाइन ही राइम करती है। एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है हाउ मैनी लाइन्स आर देयर इन बैलेड स्टेंजा, आंसर होगा फोर लाइन्स, साथ साथ उसकी सेकेंड और फोर्थ लाइन ही राइम करती है। तो आइए अब जानते हैं व्हाट इज लिटरेरी बैलेड। ट्रेडिशनल बैलेड का ही एक वर्जन है लिटरेरी बैलेड, जो रोमांटिक एज में सबसे ज़्यादा लिखे गए। लिटरेरी बैलेड विच इज आर नरेटिव पोएम, ये भी एक नरेटिव पोएम होती है, रिटन इन डेलिब्रेट इमिटेशन, जानबूझकर एक कॉपी के रूप में लिखी गई है। किसकी फॉर्म को कॉपी किया गया है, ऑफ द फॉर्म लैंग्वेज एंड स्पिरिट, जिसमें कॉपी किया गया है फॉर्म को, लैंग्वेज को एंड स्पिरिट को ऑफ ट्रेडिशनल बैलेड। ट्रेडिशनल बैलेड की ही फॉर्म, लैंग्वेज और स्पिरिट को कॉपी करने के लिए लिखा गया है लिटरेरी बैलेड, और हाईलाइटेड एरिया में है, इन इंग्लैंड सम ऑफ द बेस्ट लिटरेरी बैलेड्स वर कंपोज्ड इन रोमांटिक पीरियड 1798 और 1837 तक जो पीरियड था उसको रोमांटिक पीरियड बोला गया है, और सबसे ज़्यादा लिटरेरी बैलेड्स इसी एज में कंपोज किए गए हैं, जिसमें फेमस है ST कोलरिज का राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, विच हाउएवर इज द मच लॉन्गर एंड हैज अ मच मोर एलोबरेट प्लॉट देन द फोक बैलेड। फेमस वर्क है ST कोलरिज का राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, लेकिन इसके बारे में एडिशनल जानकारी दी गई है कि ये ट्रेडिशनल बैलेड के कंपेरिजन थोड़ा लॉन्गर है, और इसकी जो प्लॉट है, स्टोरी है, वो थोड़ी सी एलोबरेट है। फर्दर एग्जाम्पल है वॉल्टर स्कॉट्स का है प्राउड मैसेज, और कीट्स का है ला बेल डेंसेंस मर्सी। ये फेमस एग्जाम्पल है जो बैलेड के हैं। फर्दर एक इम्पोर्टेंट डिटेल बताई गई है, इन हिज लिरिकल बैलेड किसने लिखा था, विलियम वर्ड्सवर्थ और ST कोलरिज ने, और वर्ड्सवर्थ ने इसकी शुरुआत पोयम से की है, जो एक बैलेड पोयम है जिसका नाम है VR 7।
तो यहाँ पे बताया गया है, इन लिरिकल बैलेड ऑफ 1798 वर्ड्सवर्थ बिगेंस वी आर सेवन बाय इंट्रोड्यूसिंग अ नरेटर एज एन एजेंट एंड फर्स्ट पर्सन टेलर ऑफ द स्टोरी। इसमें एक नरेटर को रिप्रेजेंट किया गया एजेंट के रूप में, जो फर्स्ट पर्सन में पूरी कहानी को सुनाता है। वी आर सेवन में वो सेवन ब्रदर एंड सिस्टर्स होते हैं, उसकी पूरी कहानी है। तो शॉर्ट नरेटिव पोएम को ही बैलेड बोला जाता है, और सबसे ज़्यादा लिटरेरी बैलेड पॉपुलर है इंग्लिश लिटरेचर में, और जो किस एज में लिखे गए हैं, रोमांटिक एज में। आपको फर्दर एग्जांपल्स कमेंट सेक्शन में देने होंगे वर्ड्सवर्थ ने और कौन से पॉपुलर बैलेड लिखे हैं।